हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेवन मैथ्स एक्सरसाइज 6.1 जो आपकी चल रही थी उसी का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन एंड सिक्स क्वेश्चन ही आपके रह गए थे, इन्हें हम करवा दे रहे हैं। ये फिलिंदा ब्लैंक्स हैं, आप लोगों ने नहीं कराया वो कर लेना। एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज, जो ऑल्टीट्यूड होता है ट्राइंगल का उसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। वो परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है ना, इसलिए परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल द साइड टू विच इट इज़ ड्रॉन, जो साइड ड्रॉ होती है उसको क्या करती है, वो बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब होता है इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। मतलब अगर आपके पास ये ट्राइंगल है, यहाँ से मीडियन ड्रॉ करोगे तो ये साइड और ये और ये दोनों इक्वल होंगे, यानी इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसने इसको, साइड को। नेक्स्ट है द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। ओके, सेंट्रोइड। नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑल्टीट्यूड डज अ ट्राइंगल हैव, ट्राइंगल के अंदर कितने ऑल्टीट्यूड हो सकते हैं। अगर ये आपका ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में एक ऑल्टीट्यूड यहाँ से ड्रॉ करा, एक ऑल्टीट्यूड यहाँ से ड्रॉ करा, एक ऑल्टीट्यूड यहाँ से ड्रॉ करा। ओके, तो ये हो गया हमारा थ्री ऑल्टीट्यूड हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे आंसर, इसका आंसर थ्री। ओके, थ्री आपका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन 6.1 में नहीं है, एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कराने जा रहे हैं। ओके, एक्सरसाइज 6.2। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर वन है हमारा। इन गिवन फिगर एंगल ए सी डी इक्वल्स टू 110, बी ए सी इक्वल्स टू 45, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि अगर कोई ट्राइंगल है और उसके साथ में ये एक्सटीरियर एंगल यानी बाहर का एंगल ये बना हुआ है, तो इस एंगल का सम इसके इक्वल होता है, देन वी नो, यहाँ पर लिख लेंगे वी नो एंगल बी प्लस एंगल ए इक्वस टू एंगल ए सी डी, या एक्सटीरियर एंगल, यहाँ लिख दो एक्सटीरियर एंगल ए सी, यहाँ कुछ नहीं है तो डी कर लो, ए सी डी। ओके, एंगल ए सी डी, तो एक्स प्लस 45 इक्वस टू 110, यहाँ हो जाएगा एक्स इक्वस टू 110 माइनस 45, तो एक्स इक्वस टू 110 में से 45 माइनस कर लो, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा। ओके, और यहाँ रहेगा हमारे पास 10, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा, 65 डिग्री, ये आपकी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप से, है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन द गिवन फिगर साइड बी सी इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए सी डी इक्वल टू 135, ए सी डी कितना है 135 दे रखा है आपको, ए सी डी 135, और बी ए सी 60 डिग्री, बी ए सी 60 डिग्री एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, इसमें दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे, पहले इन दोनों का सम करके इसके इक्वल कर लो एक्सटीरियर एंगल से, यहाँ पर लिख लेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वस टू एंगल 135 एक्सटीरियर, यहाँ पर लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। अब एंगल ए कितना हमारे पास 60, प्लस एंगल बी हमारे पास एक्स है इक्वस टू 135, एक्स इक्वस टू 135 माइनस 60, एक्स इक्वस टू कितना हो जाएगा 5 में से इसमें से इसको माइनस करो 5 आएगा, और 13 में से 6 माइनस करो 75 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन द गिवन फिगर बी ए सी इक्वल टू 32 डिग्री, बी ए सी 32 डिग्री दे रखा है, ए है ए, ए डी नहीं है ए, एंगल बी सी ई, बी सी ई 161, हमें फाइंड आउट करना है ए सी बी, और इसमें एक चीज़ और रह गई है वो और कर लो पहले, वाई और वाई की वैल्यू और फाइंड आउट कर लो। वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वाई प्लस 135 इन दोनों को ऐड कर लो, वाई प्लस 135 इक्व टू 180, देन वाई इक्व टू 180 माइनस 135, इसको इधर लेके जाएंगे तो, और यहाँ पे लिख देना लीनियर पेयर, क्योंकि ये आपकी लाइन बन रही है, लाइन लाइन होती है वहाँ पे क्या होता है 180 डिग्री एंगल होता है, तो वाई इक्व टू 45 डिग्री, ये 45 डिग्री वाई की वैल्यू आ जाएगी। ओके,
अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या था, बी ए सी 32 डिग्री ये दे रखा है, बी सी 161 दे रखा है, हमें ये सब के सब निकालने हैं, ए सी भी निकालना है, ए सी बी ये फाइंड आउट करना है, ए बी सी ये फाइंड आउट करना है, और डी बी सी ये भी फाइंड आउट, सब एंगल फाइंड आउट करने हैं इसका मतलब। तो आप क्या करोगे, पहले इसको फाइंड आउट कर लो, तो एंगल बी प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 161, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ओके यहाँ पर लिख देंगे। एंगल बी हमारे पास पता नहीं है, एंगल बी का मतलब है एंगल ए बी सी, ए बी सी, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए हमारे पास 32 इक्वल्स टू 161, तो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 161 माइनस 32, तो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस कर दो, 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 9 आएगा इधर, या 15 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 12 आएगा, 129 डिग्री, ओके ये आ गया आपका। नेक्स्ट हमारे पास है 129, ये एंगल आ जाएगा, एक बार फिर से चेक कर लो, 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आएगा, यहाँ रहेगा 15 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 12 आएगा। अब क्या करोगे, ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लो, एंगल ए सी बी, ए सी बी प्लस एंगल 161 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर से, अभी अभी जो बताया था लीनियर पेयर से। तो यहाँ पे ए सी बी पता नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस इक्वल्स टू 180 माइनस 161, यानी 161 में से 180 में से 161 को माइनस कर लो, तो एंगल ए सी बी इक्वल्स टू हो जाएगा ये हमारा, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 9 आएगा, यहाँ पर रहेगा 17 में से कितना माइनस करना है, 16 माइनस करना है, तो 17 में से 16 माइनस करो 19 डिग्री, ये आएगा आंसर, तो यहाँ पर होगा हमारा 19 डिग्री। दो तरीके हैं आपको इसको फाइंड आउट करने का, अगर इन दोनों को प्लस करके 180 कर लोगे तब भी निकल जाएगा, या फिर 32 129 और एक्स मान के इसको करो, तीनों को ऐड करके 180 के इक्वल कर लो, इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर लो तब भी निकल जाएगा, ओके दोनों तरीके से निकल जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, केवल ये बचा ये वाला एंगल, तो इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लेंगे, तो एंगल ए प्लस एंगल सी, सी का मतलब ए सी बी, ए सी बी इक्वल्स टू एंगल हो जाएगा हमारा सी बी डी के इक्वल, सी बी डी के इक्वल, तो एंगल ए कितना हमारे पास 32 प्लस एंगल ए कितना, ए सी बी कितना हमारे पास 19 डिग्री, यहाँ थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 32 प्लस 19 एंगल सी बी डी, सी बी डी या डी बी सी, यहाँ पर डी बी सी लिखा है, सी बी डी एक ही बात है वो, ओके तो इन दोनों को ऐड करो, 29 11 1 और यहाँ हो जाएगा 23551 डिग्री इक्वल्स टू एंगल सी बी डी, ये भी आंसर हो गया। इस टाइप से भी निकाल सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 129 प्लस ये वाला एंगल दोनों को मिला के 180 डिग्री हो गया, 129 प्लस इसको अगर x मान लो, x इक्वल्स टू 180 क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है, x इक्वल्स टू 180 माइनस 129 इसको माइनस कर लो, तो यहाँ 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट 9 सब्ट्रैक्ट करो 1 आएगा, और यहाँ कितना 17 में से 12 माइनस करो 5 आएगा, 51 डिग्री, तब भी वही आंसर आएगा, ओके कैसे भी आप कर सकते हो। तो इस स्टेप से आपको क्वेश्चंस आगे सॉल्व करने हैं, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।